राष्ट्रपति भवन जितना खास है उतनी ही खास होती है इसकी दावतें। इन दावतों में ऐसे ऐसे व्यंजन परोसे जाते हैं कि देशी विदेशी मेहमान खाते खाते ललचा जाते हैं और यहाँ का स्वाद भूल नहीं पाते। हर राष्ट्रपति ने इसके मेन्यू पर अपनी कोई छाप जरूर छोड़ी है, लेकिन भोज के समय यहाँ 3 रंग की लाइट्स जलने का क्या मतलब है। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के 320 एकड़ फैले राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। वैसे राष्ट्रपति भवन में जब भी भोज होता है तो ये बैंक्वेट हॉल में होता है और इसकी 3 रंग की लाइट्स का खास मतलब होता है। यहाँ के शेफ और किचन डिपार्टमेंट को इसे लेकर अच्छी तरह दक्ष किया जाता है। जब कोई विदेशी मेहमान यहाँ आता है तो उसको दावत दी जाती है तो 3 रंग की लाइटों का बहुत महत्व होता है। ये लाइट बैंक्वेट हॉल में लगे हर तैल चित्र के ऊपर लगी होती है। इनका कंट्रोल करने के लिए हेड बटलर को उस समय वहां रखा जाता है। जैसे ही तैल चित्रों के ऊपर की नीली लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि मेहमान अब खाने के लिए बैठ गए हैं और सारे बटलर सर्विस के लिए तैयार हो जाएं। खाना सर्व करने का काम बटलर का ही होता है। सारे बटलर तुरंत अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं। इसके बाद हरी लाइट जलने की बारी आती है। मेहमानों के दावत की टेबल पर बैठते ही हरी लाइट जलती है और फिर बटलर तुरंत खाने को परोसने में लग जाते हैं। उस समय उनकी फुर्ती देखते ही बनती है। कुछ ही मिनटों में हर मेहमान के सामने पकवान सज जाते हैं। हर 6 मेहमानों को भोजन सर्व करने का काम एक बटलर के जिम्मे होता है। राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि के लिए अलग से एक बटलर होता है। अब इसके बाद जैसे ही भोजन समाप्त होता है और मेहमान खाने की टेबल से उठने लग जाते हैं तब हेड बटलर लाल बत्ती जलाता है। इसका मतलब है कि सभी बटलर आगे बढ़े और मेजों से प्लेट उठाना शुरू कर दे। तब फिर बटलर पूरी तेजी से और नफासत के साथ डाइनिंग टेबल को साफ कर देते हैं। वैसे जब भी कोई खास मेहमान राष्ट्रपति भवन वहाँ आता है तो उसकी सूचना विदेश मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति भवन में भेजी जाती है। इसके बाद उस मेहमान के लिए खाने की सर्व शुरू हो जाती है। ये देखा जाता है कि वो क्या पसंद करता है क्या नहीं। फिर उस देश के खाने के डिशेस को भी देखा जाता है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि हर विदेशी खास मेहमान का भोज जब राष्ट्रपति भवन में हो तो उसे भारतीय भोजन का जायका भी पेश किया जाए। हालांकि जब भी कोई नया राष्ट्रपति आता है तो वो यहाँ के मेन्यू में अपनी ओर से कुछ जोड़ता या घटाता है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जोर थाली में भोजन परोसने में था, ऐसा ही होने लगा। लेकिन इसमें खाने की बहुत बर्बादी होती थी, लोग थोड़ा ही खाते थे और ज्यादा चीजें बच जाती थी। उस समय बचे हुए खाने को गोल मार्केट के एक ढाबे में भेजा जाता था जिसके मेन्यू में लिखा होता था राष्ट्रपति भवन का खाना। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। इस तरह की और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।